नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम मंत्रियों के विभागों का बंटवारा में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं वर्ष कुमारी। लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल विस्तार के ठीक 11वें दिन विभागों का बंटवारा कर दिया, जिसमें सिंधिया खेमे के मंत्रियों को एक बार फिर से खास तौर पर तवज्जो दी गई है। हालांकि प्रशासनिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, विमानन और नर्मदा घाटी विकास विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रख लिए हैं। सिंधिया खेमे से आए तुलसीराम सिलावट को पहले से दिए गए जल संसाधन विभाग के अलावा दो और विभाग जोड़ दिए हैं उनके खाते में। कमलनाथ सरकार में सिलावट के पास स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी थी और इसी तरह गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी उम्मीदों के मुताबिक तीन और विभाग सौंपे गए हैं। हालांकि उनके पास से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी लेकर सिंधिया समर्थक प्रभुराम चौधरी को दे दी गई है। नरोत्तम मिश्रा को गृह संसदीय मामले के साथ विधि और न्याय विभाग दिया गया है, जबकि गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग दिया गया है। उधर एक बार फिर यशोधरा राजे सिंधिया को हल्के विभागों से ही संतोष करना पड़ा है। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उपचुनावों के मद्देनजर विभागों का बंटवारा हुआ है तो ये बात दिगर नहीं होगी, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। जहां सिंधिया की पकड़ मजबूत है, यहां से 8 नेताओं गिरिराज दंडौतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, प्रद्युमन सिंह तोमर, भारत सिंह कुशवाहा, इंद्र सिंह कंसाना मंत्री बने हैं। वही 2 जुलाई को मंत्रिमंडल विस्तार में 28 मंत्रियों ने शपथ ली थी और इनमें 9 सिंधिया खेमे से बताए जाते हैं, जबकि 3 कांग्रेस छोड़कर आने वाले नेता और जबकि भाजपा के 16 विधायक मंत्री बने थे। शिवराज सरकार में अब 25 कैबिनेट और 8 राज्य मंत्री हैं और सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों समेत 22 विधायकों के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 20 मार्च को कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा था और 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और इसके 28 दिन बाद 5 मंत्रियों वाली मिनी कैबिनेट ने 21 अप्रैल को शपथ ली थी। शिवराज सिंह चौहान ने विभाग बंटवारे के बाद ट्वीट करके सभी मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में लिखा है कि हम सब संकल्प लें कि प्रदेश के उत्थान, जन कल्याण के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। प्रदेश को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए संकल्प को साथ मिलकर पूरा करेंगे। जाहिर है कि मुख्यमंत्री के इस ट्वीट के राजनीतिक हलकों में कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और इसी बेहद ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गया है। आइए तारुफ आपका करवा देते हैं। चैनल हेड एसपी त्रिपाठी जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल सिंह कुशवाहा जी स्टेट हेड हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशवाहा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से हमारे सहयोगी अरविंद चौहान भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले आपसे ही जान लेती हूं कि अभी क्या हलचल चल रही है वहां पर। देर आए दुरुस्त आए की तट पर आज मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा हो गया है और क्योंकि साफ तौर पर समझा जाए तो कुछ कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी जरूर है, क्योंकि साफ तौर पर जो देखा जा रहा है पूरे बंटवारे की अगर विभागों की बात करें तो कहीं ना कहीं सिंधिया समर्थकों का जो गुट रहा है, जो जिन्होंने सरकार बनाई है, वो जरूर यहां पर हावी होते नजर आए हैं। जितने भी बड़े मंत्रालय है, अगर बात करें गोविंद सिंह राजपूत को, तो उन्हीं को वही बड़े बड़े जो भारी भरकम विभाग है उन्हें दिए गए हैं। साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास है, जो पहले नरोत्तम मिश्रा के पास हुआ करता था। इसके बाद तुलसी सिलावट को भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़े जो एक जिम्मेदार विभाग उन्हें दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें यशोधरा राजे सिंधिया की, तो खेल विभाग उनका प्रमुख रहा है शुरू से। इससे पहले भी जब वो इसमें प्रदेश सरकार में मंत्री थी तो उनके पास भी खेल विभाग था, उद्योग विभाग था, लेकिन उद्योग विभाग उनसे वापस ले लिया गया था। लेकिन खेल विभाग में उनकी अपनी रुचि रही है, इसी के चलते उन्होंने ग्वालियर और भोपाल में एक
एकेडमी खोली है जो कहीं ना कहीं देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही है। तो पूरी अगर पूरी लबोलवा बात करें तो ये पूरी जो कवायद की गई है, विभागों का बंटवारा किया गया। हालांकि जब ये उपचुनाव हो जाएंगे, जहां तक मुझे लगता है, ये मेरी निजी राय हो सकती है कि विभागों का फेरबदल किया जाए, क्योंकि साफ तौर पर जो रूठे हुए मंत्री हैं, क्योंकि जैसे विभागों का बंटवारा हुआ जो कांग्रेस भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है उनके भी बयान आने शुरू हो गए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो उन्हें जो सूत्र बता रहे हैं, ये अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो सूत्र ये बता रहे हैं, उनसे कहा गया है कि जो लगभग वहां से 16 जो विधायक चंबल संभाग से टोटल मिला के 25 जगह अब उपचुनाव होने हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर कह सकते हैं इस्तीफा दे दिया है, और कुछ ऐसे विधायक लगभग 16 विधायक ऐसे हैं। हाँ, तो साफ तौर पर कह सकते हैं, ये साफ बात निकलकर सामने आ रही है कि कोई मंत्री निश्चित तौर पर कहेंगे, क्योंकि 100% जीत तो ना भाजपा की होनी ना ही कांग्रेस की होनी, जो मंत्री हारेगा उनके विभाग जो रूठे हुए हैं भाजपा ही है उन्हें दिए जाएंगे, तो साफ तौर पर। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो अपने जो बड़े भाजपा के नेता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बयानबाजी हो रही है। लेकिन साफ तौर पर पूरी अगर बात करें तो सिंधिया गुट बहुत इस पर हावी रहा है, और सरासर चूंकि हावी होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार बनाने में 2023 तक तो भाजपा का कहीं नामो निशान था नहीं, अगर सबको सही चल रहा होता तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार होती, तो इसी के चलते कहीं ना कहीं दबाव का काम भी यहाँ पर किया गया है, और सिंधिया समर्थकों को जितना गुट है मतलब यहाँ पर हावी होता है, यहाँ पे विभागों में भी देखने को मिला है। कुल मिला के बात यह है त्रिपाठी जी, जिस तरह से मंथन चला और बहुत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस स्टेटमेंट को बहुत हाइप भी मिली कि जब मंथन होता है तो अमृत भी निकलता है और शिव भी निकलता, विष भी निकलता है, तो उस विष को शिव पी जाते हैं। मतलब कुल मिला के इतने लंबे चौड़े मंथन के बाद जिस तरह से विभागों का ये बंटवारा हुआ है, उसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए रस्क, अगर ये कहा जाए कि जब कमलनाथ सरकार में सिंधिया खेमे के 6 मंत्री थे, उनको जो विभाग दिए गए थे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग इस बार उनको सौंप दिए गए हैं। अगर ऊपर से ले लें आप, सबसे पहले अगर गोविंद राजपूत को, तो उनके पास अच्छा विभाग था शुरू से, राजस्व और परिवहन, वो फिर से दे दिया गया। प्रभु राम चौधरी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्री थे, तो स्कूल शिक्षा मंत्री का उतना बड़ा विभाग नहीं माना जाता जितना बड़ा लोक स्वास्थ्य विभाग उनको मिल गया, वो भी अपग्रेड हुए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम मंत्री थे प्रद्युमन सिंह तोमर। ऊर्जा इस समय सबसे बड़ा विभाग कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा विभाग ऐसा है जिसमें जो बिजली की खरीदी होती है वो करोड़ों में भी नहीं होती, वो अरबों में होती है, और उसका कोई हिसाब भी नहीं रहता है। और जैसा कि बड़े बड़े जो पावर प्लांट हैं, ग्रुप हैं, उनसे जो इनका एमओयू होता है वो इस बात का होता है कि हम इतने मेगावाट आपसे बिजली खरीदेंगे ही, भले हमें जरूरत हो या ना हो, हम ले या ना ले, तो उतने मेगावाट का पेमेंट होता है। तो ये ऊर्जा विभाग, और इस समय ऊर्जा विभाग तो पीएम मोदी का बहुत महत्वपूर्ण अपना उनका जो सपना है वो इसी ग्रीन प्रोजेक्ट में से है। दूसरा अगर बात करें महेंद्र सिंह सिसोदिया, मात्र श्रम विभाग था उनके पास। अब पंचायत एवं अगर कहा जाए तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास क्षेत्रों में काम करने लगे, खासकर कस्बाई क्षेत्रों में और गांव में, वो पंचायत एवं ग्रामीण विकास के माध्यम से ही वहां अपना काम दिखाया जा सकता है। तत्कालीन शिवराज सरकार में ये विभाग गोपाल भार्गव के पास हुआ, गोपाल भार्गव के पास था, वो अब महेंद्र सिंह सिसोदिया को दे दिया गया है। तो ये जो 4-5 विभाग है, इसी तरह से तुलसी सिलावट स्वास्थ्य महकमा था उनके, लेकिन उससे कहीं बड़ा जो बार बार शिवराज सिंह जी कहते हैं कि हमने सिंचाई का रकबा इतने हजार एकड़ मैंने बढ़ा दिया है, तो जितनी भी नहरें हैं, जितने भी डैम हैं, ये सब सिंचाई विभाग में आते हैं। आपको ध्यान हो नरोत्तम मिश्रा जी के पास ही विभाग था इसके पहले 2013-18 तक सिंचाई विभाग, वो तुलसी सिलावट, साथ में उनको दो विभाग और मछुआ पालन, हालांकि बहुत बड़े हैं मत्स्य पालन, लेकिन मत्स्य पालन भी अपने आप में एक बड़ा विभाग है, तो वो भी विभाग दे दिया गया, तो पहले से भी ज्यादा उनको तवज्जो दे दी गई। तो ये मानना पड़ेगा कि मैंने सिंधिया जी का जिस तरह से मंत्रिमंडल में कहा जाता 13 लोग आए उनके कुल मिलाकर के, 9, 2, 11 लोग आए, बाकी दूसरे कांग्रेस से आए हैं, तो विभागों में भी उसी तरह उनको बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई है। तो ये किस तरह से बीजेपी और संघ को पच पाएगा ये अलग बात है, अभी उनको उनके ढलना है। परिवहन विभाग का पार्टी चलाने के लिए परिवहन एक्साइज, ये 2-3 विभाग ऐसे होते हैं जो संगठन के पास जो भी पैसा आता है वो संगठन के पास जाता है, उससे पार्टी चलाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में गोविंद राजपूत जी कितना संघ के निर्देशों का पालन करेंगे, कितना होगा, ये अलग बात है। आने वाले समय में इसमें थोड़ी सी मुझे लगता है सामंजस्य बिठाने में लंबा समय लगेगा।
कुछ विभाग जरूर बीजेपी के खाते में गए हैं, वित्त एवं जैसे यहां उम्मीद के अनुसार जैसा माना जा रहा था गृह और परिवहन दोनों नरोत्तम जी के पास जाएंगे। नरोत्तम जी के पास गृह परिवहन न जाकर के उनको तो जब उनका दबाव आया होगा तभी उनको विधि एवं विधायी और जेल विभाग अतिरिक्त दे दिया गया। तो और एक और बात आपने नोट की होगी रस जी की, नरोत्तम मिश्रा जी का जो विभागों का जो राज्यपाल के यहां से सिग्नेचर होकर के जो सूची आई है उसमें गोपाल भार्गव के ऊपर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री के बाद नरोत्तम मिश्रा जी का नाम है, फिर गोपाल भार्गव जी का नंबर दो पर, जबकि नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उनका दावा मुख्यमंत्री का भी था, खासकर नंबर दो पे तो उनका था ही, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी की इस समय जो प्रभाव है, जो चल रहा है उनका प्रभाव, उससे देखा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है कि वो भी काफी प्रभावी हो गए हैं। तो इस समय सिंधिया समर्थक और नरोत्तम मिश्रा जी का ही सब कुछ है, सबसे ज्यादा दबदबा है। अनिल जी, जिस तरह से हम ये पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, इसी बीच जैसे हमने कल भी देखा कि बड़ा मलहरा से जो विधायक हैं प्रद्युमन लोधी, जिस तरह से जिक्र भी अभी सहयोगी अरविंद चौहान ने भी किया है, उनको हाथों हाथ मतलब इधर इस्तीफा दिया और इधर रेवड़ी भी मिल गई है, तो इसी को लेकर अजय विश्नोई ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। तो इस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि इस तरह कोई अदावत नहीं करता। फिर देखिए रस, प्रद्युम्न लोधी बड़ा मलहरा से जो विधायक है कांग्रेस के, बीजेपी के समय वो टिकट मांग रहे थे, पुराने भाजपा ही हैं, संघ से जुड़े हैं, लेकिन जब उनको टिकट नहीं मिला कांग्रेस ने टिकट दिया, जीत करा गए। प्रद्युम्न लोधी के बारे में ये जरूर कह सकते हैं कि जब कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया तो प्रद्युम्न लोधी वो थी जिनकी आंखों से आंसू निकल आए थे, छलक आए थे। माना जा रहा था कि कांग्रेस में ज्यादा समाहित हो गए, लेकिन जिस तरीके से कल वो भाजपा में शामिल हुए आश्चर्यचकित था। लेकिन उमा भारती जी जो जिस हिसाब से नारा चल रहा था, आपने देखा कैबिनेट जब विस्तार हुआ था उमा भारती जी का सबसे पहले बयान आया था और उन्होंने नाराजगी जाहिर की थी, जाति संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन का मुद्दा उठाया था। विस्तार हुआ, विभाग बटे और आज उमा भारती जब सीहोर पहुंची तो उनसे ये बात पूछी गई कि सिंधिया खेमे के लोगों को विभाग इस तरीके से बांट दिए गए हैं, तो उनका ये कहना था कि सिंधिया खेमा नहीं, अब वो भी भाजपा ही है सभी। तो कह सकते हैं प्रद्युम्न लोधी को बीजेपी ने भाजपा में शामिल करके उमा भारती को मनाने की कोशिश दी कि ये है नंबर वन। नंबर दूसरा ये है कि उपचुनाव के बाद तस्वीर क्या होती है, ये बीजेपी का प्लान बी भी हो सकता है। प्लान बी इस तरीके से, क्योंकि जिन 25 सीटों पर चुनाव होना है, अभी तक 24 का आंकड़ा था, अब 25 हो गए हैं। प्रद्युम्न लोधी के सामने भाजपा में आने के बाद कांग्रेस की संख्या एक और विधायकों में कम हो गई है, तो इन परिस्थितियों में उपचुनाव में बीजेपी कितनी सीटें जीतती है, बड़ा मलहरा, उसकी जीत सुरक्षित है, क्योंकि बुंदेलखंड में भाजपा एक बड़ी ताकत है और उमा भारती का भी पीछे से कहीं ना कहीं एक जनाधार है, उनकी जो अपील है और जो वोट वर्ग है, तो उनका जीतना तय है। अब सवाल यह है कि दो जो उपचुनाव हैं ये भाजपा के गढ़ माने जाते हैं, अगर मालवा की बात करें भाजपा का गढ़ है, संघ का गढ़ है, जोरा भी इसी तरीके से, तो 22 जो सिंधिया समर्थक है, जिनमें तीन जो सिंधिया समर्थक नहीं कह सकते, जिनको कांग्रेस से आए नेता कह सकते हैं, बिसाऊलाल, ऐदल सिंह कंसाना, डंग, तो जीत हार में उपचुनाव में क्या तस्वीर बनती है, तो ऐसे में प्रद्युम्न लोधी का भाजपा में अभी शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी के अंकगणित को सुधारने की दृष्टि से ये प्लान हो सकता है। मतलब बीजेपी ने अपना पूरा बैकअप प्लान तैयार करके रखा हुआ बीजेपी था? का नियम है, यहाँ राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव को भी पूरी तरह से नहीं कह सकते आप सिंधिया जी। उनका दिग्विजय सिंह जी की तरफ झुकाव भी रहा करता था और नाराज इसी बात को लेके हुए थे कि प्रीवत सिंह जो उनके भतीजे लगते हैं उनको बना दिया और ऊर्जा मिनिस्टर और तीन बार वो जीते रहे तो उनको नहीं बनाया, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी पे उन्होंने निशाना साधा था, इसलिए उनको हमें लगता है कि उद्योग विभाग की जिम्मेवारी बड़ी जिम्मेदारी आश्चर्यजनक है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह की खास रहे हैं, लेकिन रिसोर्ट में जिस तरीके से उन्होंने आस्थाएं सिंधिया में व्यक्त कर दी तो सिंधिया खेमे के माने जाने लगे, लेकिन अब वो पूरी तरह भाजपा हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जब मोर्चा खोला था त्रिपाठी जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब भी मुखर होकर बोलते थे राजवर्धन दत्तीगांव, तो वो सबसे पहले सिंधिया पर ही निशाना साधते थे, और उसके बाद ये जब पूरा एपिसोड हुआ तो, और एपिसोड होने के बाद जिस तरह से उनको उद्योग विभाग दिया है, क्योंकि 2018 सिंधिया जी पे निशाना राजवर्धन सिंह, हाँ, दत्तीगांव कई बार साध चुके हैं जब कमलनाथ सरकार के वक्त भी, और जब भी
स्टेटमेंट आया करते थे जब विभागों को लेकर जब भी बात चलती थी तो राजवर्धन दत्तीगांव उन्होंने जमकर सिंधिया पर भी निशाना साधा, और उसके बाद जिस तरह से मतलब जिस तरह से अनिल जी कह रहे हैं कि मतलब उनकी सो कॉल्ड उनका समर्पण सिंधिया में देखा गया है, सिंधिया खेमे में, वो भी जग जाहिर हो गया यहां पे। अच्छा, जिस तरह से हम अपने ज्यादातर जो दर्शक उनको ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से विभागों का बंटवारा हुआ है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के पहले से जो स्टैब्लिश नेता हैं उनके मतलब विभागों में जिस तरह से कटौती की गई है, ये नाराजगी कहां तक जाएगी फिर? देखिए, फिलहाल तो अभी मंत्री बन गए हैं, उनकी नाराजगी तो नहीं जाएगी, लेकिन एक बार फिर रस्क में वहां थोड़ा सहमत नहीं हो रहा हूं। जब से रिसोर्ट में गए, ऑपरेशन लोटस चला है, उसके बाद से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सिंधिया जी अपनी आस्था जताते हैं। तब से उससे पहले विभागों वो तो मंत्री ही नहीं बने थे। प्रीवस सिंह जी को मंत्री बनाने पर उन्होंने दिव्य सिंह जी पे साधा था निशाना कई बार, एक बार आप प्रत्यक्ष तौर पे तो नहीं, परोक्ष तौर पे उन्होंने साधते रहे हैं। लेकिन यहाँ ये देखा गया, अगर संघ के विशुद्ध संघ के कोटे में देखा जाए तो सिर्फ शिक्षा विभाग, आध्यात्म, पर्यटन और संस्कृति ही आए हैं। यादव और उषा ठाकुर दो ही संघ के कोटे से मंत्री माने जा रहे हैं, विशुद्ध जा रहे हैं। प्रज्ञा ठाकुर जब संन्यास ले ली थी और जो एक दो जगह आतंकी हमले हुए थे, आतंकी हमलों में जो लोग मारे गए थे तो उनको तर्पण करने की बात आई थी कि उज्जैन से अनिल आपको ध्यान हो छिपरा नदी के किनारे तर्पण किया था, तो उस दौरान वो सन्यासी के बेस में प्रज्ञा ठाकुर बैठी हुई थी। तब ये मालेगांव वाला मामला नहीं हुआ था, एटीएस ने उनको अरेस्ट नहीं किया था, तो यही मोहन यादव तर्पण कर रहे थे और वो बैठी थी वहां पे, और दो तीन लोग थे कि उनकी शांति के लिए तर्पण कर रहे थे। ये फोटो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई थी जब प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर केस लगा और वो एटीएस ने उनको गिरफ्तार किया और जेल गई, तो मोहन यादव जी पे भी निशाना साधा गया था, लेकिन फिर चूंकि कोई सबूत नहीं मिला था इस कारण वो उनपे कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन उषा ठाकुर और मोहन यादव दो ही ऐसे मंत्री हैं जिनके पास जो संघ की खाटी माने जाते हैं, तो एक को उच्च शिक्षा मिला, एक को संस्कृति और पर्यटन के साथ आध्यात्म विभाग, तो कोई बहुत बड़े विभाग संघ ने नहीं लिए हैं। तो कुल मिला के जिस तरह से त्रिपाठी जी देखने को मिल रहा है कि सिंधिया खेमे को जिस तरह से तवज्जो मिली है, तो लबोलुआब साफ है कि उपचुनाव होना है तो वेटेज तो देना ही होगा, क्योंकि इन सीटों को निकालना भी है और जो सरकार जिस तरह से चल रही है वो और ज्यादा कंफर्टेबल लेवल पे चलती रहे। देखिए, अभी जो विभाग दे दिए गए हैं उन विभागों के तहत निश्चित जैसा माना जा रहा है कि जो मंत्री थे जिनने छोड़ दिया है, मंत्री रहते हुए आप अपने जैसे अब महेंद्र सिंह सिसोदिया को पंचायत एवं ग्रामीण विकास में बहुत पैसा है, तो अपने क्षेत्र में विकास के लिए कई योजना अभी घोषणा कर सकते हैं। अभी तो आचार संहिता लगी नहीं है, तो वो जाकर के वहां काम कई सेंक्शन करा सकते हैं, कर सकते हैं, मैंने चुनाव जीतना है एन प्रकार। इसीलिए हमें लगता है कि जो सिंधिया समर्थक इतने सारे मंत्री बनाए गए हैं, जो बीजेपी का पहले वो था कि जो पहली बार विधायक बनेगा उसको मंत्री नहीं बनाया गया, चार ऐसे बना दिए गए सिंधिया समर्थक, चार नए नए पहली बार विधायक बने थे। तो अभी उपचुनाव जीतने के बाद, उपचुनाव के परिणाम के बाद, मुझे लगता है अनिल भी सहमत होंगे कि इसमें लंबा, अभी अरविंद भी बोल रहे थे, लंबा फेरबदल हो सकता है विभागों से लेकर के और मंत्रियों के कांट छांट से भी लेकर के। और इसमें से जैसा बोल रहे हैं कि कुछ हारेंगे, मुझे नहीं लगता है, मंत्री रहते हुए उस क्षेत्र की जनता हराना चाहेगी किसी को, क्योंकि उसको लगेगा कि अगर क्षेत्र से कोई मिनिस्टर है तो वो बड़ी बात होती है, क्षेत्र के काम होंगे, सीधे मिनिस्टर के संपर्क में आएंगे वहां के छोटे मोटे नेता, तो और खासकर और यही लक्ष्य रखा गया है, अगर 13 सीट 25 में से 13 भी बीजेपी जीत लेती है तो 120 का आंकड़ा, 116 का बहुमत का आंकड़ा होता है, 120 से पहुंच जाते हैं। तो इन स्थितियों में पूरी तरह से सभी उसके कदमों के साथ बीजेपी आगे बढ़ रही है, इसीलिए एक विधायक और तोड़ दिया। आपको ध्यान हो प्रदीप जायसवाल मंत्री थे, खनिज मंत्री, अब उनको अध्यक्ष बना दिया गया, माने एक निर्दलीय को भी इन्होंने साथ लिया है, और मुझे लगता है जल्दी ही एक दो और निर्दलीयों को ये कुछ चेयरमैन वगैरह बना करके उनको अपने तरफ मैंने हमेशा के लिए बीजेपी के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। अरविंद जी क्या कहते हैं आपके सूत्र?
निश्चित तौर पे कहेंगे। रस के एक बार जरूर जाए यहाँ पर देखने को मिली, शायद हमारी पत्रकारिता की पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने यहाँ देखा है कि बीजेपी ने जो नियम बनाए थे, आरएसएस ने जो बीजेपी को रन करने के लिए जो नियम बने थे, वो बीजेपी इस बार खुद तोड़ते नजर आई। साफ तौर पर यह था कि जो एक बार विधायक बन के आएगा वो मंत्री नहीं बनेगा, लेकिन जो चंबल अंचल की जो वहां स्थिति है, वहां यह है कि वहां जातिगत समीकरण ज्यादा मायने रखते हैं। इसके बाद इन लोगों को मंत्री बनाया गया, जब ये वोट मांगने जाएंगे तो एज ए मंत्री वोट मांगने जाएंगे, विधायक वोट मांगने नहीं जाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं जो एक बड़ा कद हो जाता है, मंत्री किसी के दरवाजे पर अगर वोट मांगने जाएगा, वहां का दो मिनट बैठ के एक कप चाय पी लेता है गांव में किसी के यहाँ, तो पूरा गांव उसकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते समर्पण की भाव से देखता है। तो ये पूरा जो गणित है पूरा चंबल अंचल का, क्योंकि सारी जीत हार का पूरा मुद्दा वहीं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब एक विधायक और आ गया है, पहले 24 में चुनाव होने थे, 25 हो गए हैं। तो जो मंत्री ने बनाया गया है, चाहे गिरिराज दंडोतिया हो, चाहे ओपीएस भदौरिया हो, बजेंद्र सिंह यादव हो, इन्हें मंत्री सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि इनका कद बढ़ गया है। क्योंकि जब ये आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और कहा गया था कि इन लोगों ने पैसे, क्योंकि बराबर कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि ये पैसे के दम पे ये सब हुआ है, पैसे की वजह से आए, बहुत सारे आरोप लगे थे, जब इनका कद बढ़ गया है तो कद बढ़ने के बाद आरोप कहीं ना कहीं, जब आदमी का कद बढ़ता है तो आरोप निश्चित तौर पर कम हो जाते हैं, उनका असर भी कम हो जाता है। तो साफ तौर पर इस बार जो भाजपा ने अपने नियम तोड़े हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए तोड़े हैं कि उन्हें साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर ये बार नहीं जीत पाए तो बहुत किरकिरी होगी, इसलिए साम दाम दंड भेद सारी जो स्थितियां हैं वो भाजपा यहां लगाएगी और साफ तौर पर पूरा इलेक्शन जीतने की कोशिश करेगी। तो वहीं बराबर जब से ये उपचुनाव की घोषणा अभी खैर हुई नहीं है, लेकिन जब से ये हुआ है, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सारे चूंकि इनके विधायक बराबर तय है कि कितने टिकट मिल रहा है, और सभी से यह कह दिया गया, आज कैबिनेट की बैठक भी हुई है और सारे विधायकों का बंटूबन चर्चा, जो मंत्री थे रस उनका सबका बंटूबन चर्चा हुआ है, और सबसे पहले यही कहा गया है कि वो एक दिन यहां रहे, इसके बाद एक दिन अपने जो उन्हें प्रभार दिया जाएगा, जिस जिले का प्रभार दिया जाएगा उसमें रहे, और बकाया चार दिन वो क्षेत्र में रहे, जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, जो सूत्र निकलकर बता रहे हैं, बाकायदा मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए हैं, आदेशित किया है कि वो कम से कम चार दिन अपने क्षेत्र में रहें, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की कोई कमी अगर हो तो वो दूर कर लें, क्योंकि मंत्री बनने के बाद उनकी जवाबदारी और बढ़ जाती है, तो लोग उन्हें उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देखेंगे। तो वो निश्चित तौर पर उन्होंने ये कहा किसी प्रकार की ना पैसे की चिंता ना करें, आत्मनिर्भर बनाने जो भारत का सपना है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है उसके लिए काम करें, और साफ तौर पर ये स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सोमवार से लेकर शनिवार तक सिर्फ एक दिन वो यहां रहे राजधानी में, एक दिन अपना प्रभार वाले जिले में रहे, बकाया चार दिन अपने क्षेत्र में रहे जहां से उन्हें चुनाव लड़ना है और जीतना भी है, क्योंकि 22 विधायक बने हैं, 22 में से साफ जो 22 ने इस्तीफा दिया है उनकी इतना आसान नहीं है, क्योंकि अभी लग सब कुछ रहा है, जब मतदाता वहां जाता है, मतदान करने जाता है, उसके दिमाग में उस समय क्या चल रहा होता है, ये भाजपा को भाजपा ने समझ लिया है। इसलिए एक या दो दिन पहले कई बार ऐसा हुआ है, सिंधिया जी का इलेक्शन था, कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि सिंधिया जी इलेक्शन हारेंगे, और इतने लंबे मतों से हारे कि कल्पना से परे हो गया। तो साफ तौर पर हम रस आने वाला समय यह तय करेगा, हमारे साथ हमारे संपादक और या हमारे ब्यूरो हेड भी हैं, इस बात समझते भी होंगे क्योंकि हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं वो, लेकिन जो अप्रशासित कहीं ना कहीं से रिजल्ट आएंगे आप ये बात देख लीजिएगा। और ये बात तो क्योंकि हम चंबल अंचल का मूड हमें पता है अच्छे से, वहां का जो मतदाता है जातिगत समीकरण पर ज्यादा वोट देता है, क्योंकि भाजपा ने वहां के सारे समीकरण समझ लिए हैं, तो इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भाजपा वहां अपनी रणनीति बनाएगी, उसी पर काम करेगी। जी बिल्कुल, वाकई में अनिल जी, जिस तरह से यहां से अरविंद जी कह रहे हैं कि जातिगत समीकरण के ही आधार पर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ही वोट किया जाता है, क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है और उस स्टडी के हिसाब से कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पे जातिगत समीकरण बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, जैसे दूसरे राज्यों में बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पे हमने देखा है, लेकिन ठीक है जातिगत समीकरण मायने रखते हैं, लेकिन उतने ज्यादा मध्य प्रदेश में हमने देखे नहीं है। क्या वाकई में एक ये असर भी हम ग्वालियर चंबल में भी देख सकते हैं? और जिस तरह से हम विभागों के बंटवारे को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, तो इमरती देवी को पहले भी कमलनाथ सरकार में महिला एवं बाल विकास विभाग दिया गया था, उन पर फिर से एक बार भरोसा जताते हुए उनको उसी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, सिंधिया खेमे के लोगों को अपग्रेड किया गया है, और जो कटौती हुई है वो सीधे सीधे उन नेताओं के विभागों में हुई है और उनको जगह नहीं मिल पाई है जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, जो दूसरी तीसरी चौथी बार विधायक बन के पहुंचे हैं सदन में, लेकिन उनको अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। अगर समीकरण बदलते हैं चुनाव के बाद तो फिर वो समीकरण क्या कहेंगे? देखिए, पहले अरविंद जी की बात बिल्कुल ठीक है कि चंबल की जो तासीर है, वाकई वहां समस्याएं जो तमाम होती हैं, तमाम मुद्दे होते हैं, उस पर नाराजगी लोगों की दिखती है, लेकिन जैसे ही ईवीएम तक मामला पहुंचता है, हाथ ईवीएम तक पहुंचता है, तो उस समय जाति और वजन दो चीजें देखी जाती हैं
कि हमारी जाति का वजन बढ़ना चाहिए, अगर मंत्री है तो सोने पे सुहागा है, तो ये प्रभाव पड़ता है। और यही कारण है कि जो 16 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव वाले चंबल की होना है, जिनमें 8 मंत्री बनाए गए हैं। अब दूसरी बात सिंधिया जी के प्रभाव की कर लें, आपने देखा जैसे त्रिपाठी सर ने बताया कि मंत्रिमंडल में सिंधिया का जितने भी बड़े विभाग सब सिंधिया के पास है। जाहिर है सिंधिया सरकार में ना रहते हुए भी सरकार अब वो चलाएंगे, क्योंकि जितने भी बड़े विभाग हैं सिंधिया के समर्थकों के पास है और जो विभाग रह गए हैं। ठीक, ये तो वही स्थिति हो गई और उसी तरह के आरोप हो गए जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और सीधे सीधे आरोप दिग्विजय जी पे लगते थे कि भले कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं लेकिन सरकार दिग्विजय जी चला रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे भी वही स्थिति है कि मुख्यमंत्री तो शिवराज सिंह चौहान है लेकिन चला सिंधिया रहे सरकार। देखिए रस्क, जब भी इस तरह की स्थितियां किसी भी राज्य में हो, जब गठबंधन की सरकारें हो, जनादेश इस तरीके से हो, तो एक सुपर सीएम होता ही है जो पर्दे के पीछे से सत्ता का संचालन करता है। यहां स्थिति हो सकती है, अब जिस हिसाब से सिंधिया के समर्थकों को जो विभाग मिले और जो विभाग रह गए हैं, कृषि विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचई, और आपकी बात करें ये नगरी विकास आवास, यहां सिंधिया के 4 राज्य मंत्रियों को अटैच कर दिया गया है। यानी कि इन विभागों पर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमांड अब सिंधिया के समर्थक मंत्रियों की रहेगी, जबकि बीजेपी के जो 4 राज्य मंत्री हैं उनको स्वतंत्र प्रभार देकर रखा गया। तो कुल मिलाकर स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा बाकी कोई ऐसे विभाग नहीं है स्वतंत्र प्रभार। स्कूल शिक्षा इंदर सिंह परमार को दिया है, वो अपने आप बड़ा विभाग है, स्वतंत्र उच्च शिक्षा से भी बड़ा विभाग है वो, बिल्कुल। और संघ की दिलचस्पी स्कूल शिक्षा विभाग में ज्यादा रहती है, संघ की जो विद्या भारती है वो बड़ा काम करती है। एक आदिम जाति विभाग और जरूर है जो मीना सिंह के पास है, ये भी कह सकते हैं संघ की जो कह सकते हैं दिलचस्पी का विभाग रहता है। वनवासी मीना सिंह का भी कद बढ़ा दिया, अनुसूचित जाति के साथ जनजाति भी, हाँ, तो उनका भी कद बढ़ाया गया है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो विभाग बांटे गए हैं, अब ये कल्पना कीजिए अगर ये विभाग जो सिंधिया समर्थकों को मिले हैं और बीजेपी को जो कमजोर विभाग दिए गए हैं, उतनी नाराजगी नहीं देखी जा रही, या तो संगठन का प्रभाव, या कह सकते हैं जो संगठन में का जो अनुशासन का जो डंडा चलता है, अनुशासन का जो चीजें चलती है, उसके कारण ये उस तरह का विद्रोह या विरोध नहीं उठ पा रहा। और अगर ये कमजोर विभाग सिंधिया के समर्थकों को दे दिए जाते और बीजेपी के नेताओं को अगर बड़े विभाग दिए जाते, तो स्वाभाविक है हर 10 मिनट में हेडलाइन इस समय चैनलों की चेंज हो रही होती और अखबारों के पन्ने बदल रहे होते। तो ये अंतर है बीजेपी और कांग्रेस से आए लोगों में अब। लेकिन सिंधिया के समर्थक कितना भाजपा में अपने आप को समाहित कर पाते हैं, कितना रीतियों नीतियों में ढल पाते हैं, ये 2000 जो कह सकते हैं जो अगला जो विधानसभा चुनाव होगा वो तस्वीर भी थोड़ा सा साफ करेगी। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत संक्षेप में आपका कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगे। निश्चित तौर पर कहेंगे रस की जो भी देर आए दुरुस्त आए कि तट पर विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है कि कांग्रेस का काम करने का तरीका दूसरा था और भाजपा का काम करने का तरीका दूसरा। भाजपा ने अपने सारे नियम शिथिल करते हुए कहीं ना कहीं सिंधिया गुट को तवज्जो दी है, तो निश्चित तौर पर कहेंगे कि अब बराबर जो सिंधिया गुट के लोग आए हैं भाजपा में शामिल हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब ढलने की कोशिश कर रहे हैं। जिन जिन लोगों के हमने इंटरव्यू किए उनका यही कहना था कि अब हम भाजपा ही हो गए, बार बार सिंधिया गुट का ना कहें, तो हमारी भी शुभकामनाएं हम उनके साथ हैं, विभाग उन्हें मिले हैं, प्रदेश के लिए अच्छा काम करें, साफ तौर पर कह सकते हैं कि। लेकिन आने वाला समय तय करेगा कि कौन किस ऊंट ये किस करवट बैठता है। बिल्कुल, ये चुनाव के बाद साफ तौर पर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। सिंधिया के जो 6 मंत्री हैं जो बाकी हैं उन्हीं को बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिया है, राजवर्धन सिंह दत्तिका को दो, जो 3 अन्य हैं उम्मीद से अलग दिए गए हैं, लोकपाल यांत्रिकी विभाग पीएचई एजल सिंह गंगाना को बहुत बड़ा विभाग है, डल लेक के साथ पर्यावरण, किसी भी फैक्ट्री किसी भी छोटी फैक्ट्री उसकी एनओसी पर्यावरण विभाग से ही मिलती है, आवास से बड़ा विभाग है पर्यावरण उनके पास है, बिसाहू लाल के पास इसमें कोरोना काल में जितने भी आंगनबाड़ी जो भी आपका अनाज वितरण सब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, तो उनको भी बहुत महत्वपूर्ण विभाग दे दिए गए। बिल्कुल त्रिपाठी जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। तो वही मैंने आपसे कहा कि ये अपने आप में, चूंकि जो बाहर से आए हैं, जो बार बार बिश्नोई जी का ट्वीट आ रहा है, बाकी नेता लोग ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अनुशासनबद्ध कैडरबद्ध पार्टी कही जाती है, लेकिन असंतोष अंदर अंदर बहुत ज्यादा पनप रहा होगा, क्योंकि जो बाहर से आए हैं अरे उनको मंत्री आपने बना दिया है ठीक है, लेकिन विभागों में भी आपने जैसा पहले से गोविंद राजपूत का राजस्व परिवहन एज इट इज, दिव्य सिंह ने ट्वीट भी किया है कि भाई सिंधिया जी को राजस्व परिवहन विभाग में इतना इंटरेस्ट क्यों है, तो वो वही उनको मिल गया। महिला बाल विकास विभाग अपने आप में इतना बड़ा विभाग है, मुझे ध्यान है
कुसुम महतेले कितनी वरिष्ठ है उनके पास हुआ करता था पटना जी के समय, अर्चना चिटनीस के पास अभी 2013 से 18 के बीच में हुआ करता था, वो विभाग इमरती देवी जी के पास है। तो जितने इस तरह से ज्यादा काम किए जा सकते हैं जिन विभागों में, जो मंत्री के नाम हो सकता है आने वाले समय में कि इन मंत्री के समय ये बहुत बढ़िया काम हुआ था, वो सारे ज्यादा से ज्यादा या तो कांग्रेस से आए लोगों पे हैं या फिर सिंधिया जी के समर्थकों के पास। अनिल जी बहुत संक्षेप में मैं उसके इतना कहूंगा, आज विभागों के साथ साथ मंत्रालय के कक्ष भी बांट दिए गए हैं, और कक्ष मतलब जहां मंत्री बैठकर अपना काम करेंगे। कुछ उदाहरण देते हैं, गोपाल भार्गव को जो E116 जो कक्ष मिला है कमरा, उनके बगल में कंसाना को एदलसिंह कंसाना का कमरा दिया गया है। इसी तरह विजय शाह के बगल में बिसाउलाल सिंह जो नागरिक आपूर्ति देखेंगे उनका कमरा दिया गया है। इसी तरह जगदीश देवड़ा के साथ प्रद्युम्न सिंह तोमर और हरदीप दंग आसपास रखे गए हैं, और विश्वास सारंग के साथ राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। तो और भी कमरे इस तरह आसपास रखे गए हैं, तो ये अब, नजर रखने के लिए है कि अब ये जो जिन मंत्रियों के नाम भाजपा के जो लिए हैं जो पुराने चेहरे हैं, अब ये अपने पड़ोसी को कितना भाजपा की रीति नीतियां सिखा सकते हैं, अब इनके लिए चुनौती वाली बात हो जाएगी। इसमें गोपाल भार्गव जी के साथ थोड़ा सा अन्याय हुआ मुझे लगता है। मतलब कुल मिला के लबोलवाब ये है कि सबको खुश रखना उतना ही मुश्किल है जितना जिस तरह से जिंदा मेंढकों को एक तराजू में तोलने जैसा होता है, ये वही स्थिति हो गई। हालांकि अब देखने वाली बात, बीजेपी में उतना नहीं हो सकता, ये कांग्रेस में होता है। बीजेपी में चूंकि अब एक बार ये चुनाव जीत गए, दोबारा तो हिम्मत करेंगे नहीं, बहुमत से सरकार बन गई तो उसमें बीजेपी और दूसरी तरफ से बहुत सारे बंधन भी है। अकेले शिवराज जी कोई डिसीजन नहीं ले, कमलनाथ जी जिस तरह लेते थे, बाकायदे संघ से भी होता है, केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत मजबूत है, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व बहुत कमजोर है। आप राजस्थान की स्थिति देख रहे हो, बड़ा मुश्किल लगता है संभाल लिया गया है। तो जब तक केंद्रीय नेतृत्व मजबूत नहीं होगा, राजस्थान में तो त्रिपाठी जी हुआ कि प्लेन क्रैश होने ही वाला था लेकिन लैंडिंग से पहले मतलब कंट्रोल में कर लिया, पायलट ही चेंज हो गया, ये स्थिति हो गई है वहाँ तो। अब पायलट पायलट ही है वहाँ, लेकिन पायलट को संभाल लिया गया है। लेकिन जादूगर की जादूगरी यहाँ पे काम आ गई है। हाँ, जादूगर की जादूगरी नहीं, इसमें प्रियंका जी को भी, राहुल जी को भी, सबको इंटरफेयर करना पड़ा है पूरी तरह से। गहलोत के पिताजी जादूगर हुआ, इसीलिए उनको भी जादूगर। चलिए बहुत शुक्रिया अरविंद जी चर्चा में शामिल होने के लिए, त्रिपाठी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से हमने चर्चा की है कि विभागों का बंटवारा हो गया है और उपचुनाव तक यही विभाग इन तमाम मंत्रियों के पास रहेंगे, जब उपचुनाव होगा क्या रिजल्ट आता है, क्या सिनेरियो बनता है, उसके बाद किस तरह से फिर फेरबदल होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।